गुड मॉर्निंग क्लास 9, वेलकम टू एलेक्सियस ऑनलाइन क्लास। फ्रॉम फर्स्ट बुक वी हैव पोयम नंबर 5 इज गोइंग ऑन। यस्टरडे आई एक्सप्लेन टू यू स्टैंजास फ्रॉम दिस पोयम। टुडे रेस्ट ऑफ द स्टैंजास आर टू बी एक्सप्लेन्ड। Dear students, up to here I had told you yesterday, यहां तक मैंने बताया था। Saint Peter, while preaching, while preaching on the earth, he reached in front of a hut. He was very hungry. Why? From morning he had not got to eat anything. कुछ भी खाने को नहीं पाए थे। वहां पर जाते हैं, आवाज देते हैं, क्योंकि घर के अंदर एक महिला होती है, लेडीज होती है, जो अंगीठी पर रोटी सेक रही थी, केक सेक रही होती है, और ये बिल्कुल अनकॉन्शियस पोजिशन में आने वाले होते हैं सेंट पीटर। व्हाई? ड्यू टू नॉट फाइंड एनी ग्रेन होल डे, पूरे दिन कोई भी दाना नहीं पाए थे खाने को। उन्होंने उस लेडीज से रिक्वेस्ट किया कि उसको एक केक मिस दे दे, वन पीस ऑफ ब्रेड दे दे जो बना रही। He asked her from her store of cakes, जो केक्स का स्टोर बना रखी है उनमें से सिंगल पीस उनको दे दे। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं इस पैसे से। So she made a just I showed you stanza of the book from where I am going to start. So she made a very little cake. और जब इसने डिमांड किया तो लेडी वॉज वेरी ग्रेडी पर्सन, बहुत ग्रेडी थी, लालची थी, उसने बहुत छोटा सा केक बनाया एज इट बेकिंग ले। और जब उसने उसको सेका, बेक किया, सीम टू लॉस्ट हो गया, तो बड़ा हो गया। और ऐसा लगता है कि वो भीड़ी थी, लालची थी, तो देखा केक तो बड़ा हो गया। सी वॉन्टेड टू गिव हिम अ लिटिल वन, वो उसको छोटा सा केक देना चाहती थी, लेकिन जैसे उसने बनाया तो बड़ा हो गया। सी नीडेड अनदर, फिर उसने दूसरा आटा गूंथा। नीडेड अनदर, मिल्क मिक्स फ्लोर विद वाटर। स्टीलाइज पर छोटा सा उसने काटा, उसमें से पीस दिया जिसमें आटा गूंथा था। बट इट लुक फैंसी, टर्न इट ओवर। जब उसने इसको बनाया बहुत छोटा था, जब सेका उसने तो भी बड़ा हो गया। टाइनी स्क्रैप ऑफ डफ एंड रोल्ड इट फ्लैट, बेक इट थिन एज अ पेपर, बट सी कुडंट पार्ट विद दैट। थोड़ा सा गुथा हुआ आटा लिया उसने, इसको बेल कर इसे चपटा किया, पका दिया उसको, उसने जो है सेक दिया, वो भी बड़ा हो गया। सो सी डिड नॉट गिव सेंट पीटर, सेंट लुक्स नहीं दिया। वो क्या कही, मेरे केक जो है दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट आफ्टर माई सेल्फ, और यस टू लॉस्ट टू गिव। तो मेरे केक तो छोटे होते जिसको मैं अपने बनाने के लिए सेकती हूँ, और लेकिन जैसे तुम्हारे लिए बनाती हूँ वो बड़ा हो जाता है, या टू लॉस्ट टू गिव अभी, और देने के लिए बहुत बड़े लगते हैं। सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसको अलमारी पर रख देती है। द गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, सेंट पीटर जस्ट आई टोल्ड यू ही वॉज वेरी हंग्री एंड देर वॉज No patience to bear the hunger. वो को सहन करने की शक्ति नहीं थी। It made him angry,
hunger made Saint Peter angry. भूख ने उसको नाराज कर दिया, बहुत नाराज हो गए वो. और surely such a mind was enough to provoke a saint. उम्र की उस greediness ने उनको भड़का दिया, greediness ने इसको और incite कर दिया, इसको Saint Peter को इनसाइट नाराज करना, भड़का देना, उकसा देना. He said, उसने कहा, तुम बहुत सेल्फिश हो, you are too selfish, hard too selfish. मनुष्य के रूप में रहने के लिए तुम स्वार्थी हो. दूर भोजन और शरण शेल्टर दोनों पाने के लिए दूर चीज आपको मिले, and fire to keep you warm, और गर्म होने के लिए आग मिले, तुम उस लायक नहीं हो. You are not able to that. तुम उस लायक नहीं हो. Now you shall build as the birds do. अब तुम बनाओगे. You shall build, तुम बनाओगे. जैसे पक्षियां बनाती हैं अपना घर और अपना भोजन तलाश करती हैं, वैसे भोजन तुम्हें भी तलाश करना ही होगा. जो बर्ड है, शैल गेट योर स्कैंटी फूड, अपनी स्कैंटी फूड को, कम भोजन को प्राप्त करते हैं. बाई बोरिंग 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 मीन्स मेकिंग होल्ड इन द ओट, मेकिंग होल्ड इन द ओट, लकड़ी में सुराख करके अपने भोजन प्राप्त करते हैं. पूरे दिन सूखी लकड़ी में सुराख करते हैं, तब जाके भोजन प्राप्त करते हैं. और जैसे इसने कहा, देन आप सी वेंट टू द चिमनी, वह चिमनी के ऊपर चले इस ऊपर के, नेवर स्पीकिंग वर्ड, एक भी शब्द नहीं बोली. आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, इमीडिएट सी टर्न इनटू वुडपेकर. वो वुडपेकर में चले, वुडपेकर अ टाइप ऑफ बर्ड, हिंदी में कट फड़वा कहते हैं, उस पे चेंज हो गए. ठीक है, अब उसके हेड पर स्कारलेट कैप था, दैट वाज लेफ्ट द सेम, वैसे की वैसे रह गई वो कैप. But all the rest of her clothes were burned. बाकी के उसके कपड़े जो हैं वो जल गए, काले हो गए. Bake as a coal in the flame, इसे कोल होता है. Every country is burned. अब हर कंट्री के, कंट्री मीन्स हियर विलेज से है, गाँव के बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, आज सीन है उसको देखते, उस लकड़ी में देखते हैं जहाँ वह रहती है पेड़ों में, टिल दिस वेरी डे उसी पेड़ों पर वो रहती है और सुराग करके अपने भोजन को प्राप्त करती है. लर्न वर्ड मीनिंग टुमारो आई विल सेंड यू पीडीएफ ऑफ समरी एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.